सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ब्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ घर से निकल के। एक्चुअली ब्लॉग नहीं होगा, एक इंस्टॉलेशन वीडियो होगा अपना साइगा पार्ट्स का, जो कि उसने भेजा है पार्ट्स कुछ RM5V3 के लिए। अभी फुल तैयारी में निकला हूँ, ट्राइपॉड है साथ में और बहुत ऊँचे सामान। ले रही आप हमारी बाइक, अभी मैं ये सब सामान को रखता हूँ थोड़ा साइड में, ट्राइपॉड भी रखा साइड में। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साइगा पार्ट्स के कुछ पार्ट्स आए हुए हैं, अभी आपको वीडियो में बताता हूँ। ये ब्लॉग होने वाला है, ब्लॉग नहीं सॉरी इंस्टॉलेशन पार्ट होने वाला है 4K वीडियो में, 4K 60 में, तो एंजॉय करो। और ये रहा अपना साइगा पार्ट्स के पार्ट्स जो हमें साइगा पार्ट्स ने भेजे। ये रहा अपना R6 का मास्क, ये रहा अपना स्टीयरिंग कवर, वो रहा ट्रिपल कनार्ड और लेफ्ट राइट दोनों, और ये रहा न्यू विंगलेट। अभी मेरा जो विंगलेट है वो ऐसा है, बहुत पहले का, मतलब फर्स्ट जनरेशन वाला, और अभी हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कैसा लगता है। अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ नए लुक के लिए, जो कि कैसा लगे मेरे को भी नहीं मालूम, अब तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। सो अभी मैं ट्राइपॉड में लगा दो कैमरा और आप देखो इंस्टॉलेशन का वीडियो। सो गाइस अपना R6 मास्क का इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो अपने को दो ये दोनों मिरर के 4 वोल्ट और वाइजर के 4 वोल्ट निकालने हैं, और स्टीयरिंग कवर के भी सेम अपने को ये दो बोल्ट निकालने हैं स्टीयरिंग के, और वो भी प्लग इन से डायरेक्ट हो जाएगा। और जो अपना ट्रिपल कनार्ड है वो तो अपना 3M से यहाँ पर चिपक जाएगा, और जो विंगलेट है उसमें भी ऊपर साइड 3M लगा हुआ है, और 3M से हम लोग उसको चिपका देंगे। साइड में भी बोल्ट्स का ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं शायद से वो लगाऊंगा नहीं, सिर्फ 3M से चिपकाऊंगा। सो अभी करते सब फटफट इंस्टॉल, और आप तब तक एंजॉय कीजिए टाइम लैप, या फिर मैं आपको बताता अभी कैसा कैसा क्या करना है। ट्राइपॉड तो ही हमारे पास, तो चल चालू करते हैं अभी इंस्टॉलेशन। चलो फटफट ये बोल्ट्स निकालते, मिरर निकलेगा पूरा, वाइजर के 4 बोल्ट निकलेंगे, और R6 का मास्क फटफट इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस ये अपना R6 का मास्क ऐसा लग जाएगा प्लग इन प्ले, मिरर यहाँ पे, बाकी वाइजर्स के भी 4 बोल्ट यहाँ पे लग जाएंगे, तो अपना मास्क कुछ ऐसा लगेगा। कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद अपना R6 मास्क जो था यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे हो गाइस। वैसे मेरे को पर्सनली पहले उतना फ़ोटोज़ में अच्छा नहीं लगता था R6 मास्क, लेकिन जब आया था मेरे हाथ में तो लेजिट बहुत बड़ा पीस लगता, और लगाने के बाद आगे और फ्रंट बहुत ह्यूज लगने लगता है, क्योंकि पूरा 1 पीस है ना, तो उसकी वजह से बहुत ह्यूज लगता है। तो मेरा जो परसेप्शन था, जो कि फ़ोटोज़ में देखता था कि उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जो रियल लाइफ में देखने में मज़ा आ रहा है, डैम अच्छा लग रहा है गाइस। और एकदम स्नग फिट हो गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सब बोल्ट एक्शन है, प्लग इन प्ले कोई भी इंस्टॉल कर सकता है एकदम। डैम जो कट्स लग रहे हैं ना यहाँ के, बहुत सेक्सी। चलो और बाकी सब है इंस्टॉल करते, ये दो 3M पे अभी हम लोग स्टीयरिंग कवर करते हैं फटफट, क्योंकि बहुत धूप है और मैंने टाइमिंग बहुत गलत चूज़ किया है लगाने का, कुछ थोड़ा बहुत शेड है तो यहाँ पे मैं थोड़ा पन्हा ले रहा हूँ अपनी। अभी हम लोग करते हैं ये इंस्टॉल स्टीयरिंग कवर, चलो। तो अभी क्या करना है अपने को, इसका सिंपल से अपने को यहाँ पे पुश कर देना है, और बाकी अपना जो होल्स है अपने आप अलाइन हो जाएंगे, बस अपने को पुश करना है और रिटर्न अपने को बोल्ट यहाँ पे लगा देने का, और ये फिट हो जाएगा। अभी
इससे क्या हो रहा है ना गाइस, मेरा ये भी जो भी इतना की के वजह से जितने भी स्क्रैचेज आया जिसके वजह से कलर निकल गया वो सब मेरा भी ये सब कवर कर देगा और दिखने में भी बल्कि लगेगा जब मैं चलाऊँगा। ये अपना एकदम स्नग फिट हो गया गाइस। अभी ये स्टीयरिंग कवर और एसिस्ट मास्टर आ गया, ये सब जो भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं साइगा पार्ट्स की तरफ से, ये सब वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एकदम हाई क्वालिटी एबीएस प्लास्टिक से जो कि बहुत लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होता है। सो और इसका जो भी पेंटिंग है फिनिशिंग है वो एकदम टॉप नॉच है एकदम। वो लोग की तरफ बहुत सारे चेक पॉइंट्स के थ्रू पास होते हैं तभी आपके पास आता है सब चीज़। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर साइगा पार्ट्स देन गो फॉर इट। अब एक काम करते हैं अपन, सबसे सिंपल अपन टुकर के आर्ड इंस्टॉल करते हैं जो कि 3M एक्शन है तो फटाफट चिपक जाएगा। ये देखो ये 3M है और ये लेफ्ट साइड का टिपल का नाड़ है, यहाँ का मैंने सारे पील ऑफ कर दिए 3M के स्टिकर। अभी डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे प्लेस करके प्रेस कर देने के और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं पहले ये थोड़ा साफ कर लूँ और फिर करते हैं इंस्टॉल। गाइस देख सकते हो आप ये कैसा लग रहा है, थोड़े शेडोज बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को एडिटिंग में। ये रहा अपना R6 मास्क और ये रेड पीपल कनाड, सेम चीज़ अभी अपने को लेफ्ट साइड में करने का। ये रहा अपना लेफ्ट साइड का और लास्ट बचा रहेगा अपना विंगलेट। गाइस गाड़ी तो एकदम मस्त लग रही है, रेड ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन ट्रिपल कनाड। अभी बस विंगलेट बाकी है जो कि हम लोग कर देंगे फटफट। ये ट्रिपल कनाड छोटा सा पार्ट है लेकिन गाइस बहुत मतलब डिटेल ऐड कर देता है एकदम बाइक को। गाइस पार्ट लगाना तो एकदम इजी है, बस मैं एकदम खतरनाक धूप पे कर रहा हूँ। अभी कुछ 2 बजे रहेंगे इसलिए मेरे को थोड़ा टायर्डनेस लग रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं मेरे को। लेकिन वर्थ है गाइस ये लगाना। यार ये R6 मास्क बहुत यूज लग रहा है एकदम, मज़ा आ गया। तो चलो अभी फटाफट ये विंगलेट इंस्टॉल करके काम खत्म करते हैं, ये निकलना पड़ेगा पहले। ये देखो ये मेरा फर्स्ट जनरेशन विंगलेट और ये अभी नया साइगा पार्ट्स का एकदम लेटेस्ट मॉडल। बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे कट्स है मतलब नया डिज़ाइन है और इसका फिनिश भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा इससे, इसका टाइम भी हो गया इसीलिए। गाइस ये विंगलेट मैंने अभी बस 3M से चिपकाया, स्क्रू से अभी तक सिक्योर नहीं किया, सिक्योर कर दूंगा मैं बाद में। डैम यार क्या लग रहा है अपना विंगलेट। हाँ ये पुराना विंगलेट। सो अपने को साइगा पार्ट्स की तरफ से यही सारे पार्ट्स आए थे, R6 मास्क, विंगलेट, ट्रिपल कनाड एंड स्टीयरिंग कवर। सो यही था आज के इंस्टॉलेशन के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको साइगा पार्ट्स के और इंस्टॉलेशन वीडियोस देखने के, क्योंकि देखो गाइस साइगा पार्ट्स का अब तक का सबसे बेस्ट मेरे को पार्ट लगा है अंडरबेली। अंडरबेली क्या करता है पूरे बॉडी को ना बहुत ह्यूज लुक दे देता है, अगर अंडरबेली आ जाता है अपना इंजन कवर हो जाता है और बहुत पीछे तक रहता है इसीलिए। सो आई होप अगर मेरे को अंडरबेली मिल जाएगा R5 V3 का तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। तो अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली बहुत पहले आ गया था साइगा पार्ट्स की तरफ से पार्सल, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बीच में काम था और अभी मेरा आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मेरे को बहुत कोल्ड हुआ है। अभी तो हो गया मेरा कोल्ड, कल ही कोल्ड मेरे को ख़त्म हुआ था, अभी थोड़ा बहुत है बाकी। तो अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, थोड़ा मगजमारी था आज के शूट के लिए, आज कोई था नहीं तो इसलिए मेरे को ट्राइपॉड के साथ शूट करना पड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।